So we were solving non-homogeneous Sturm-Liouville boundary value problem. So what are the key points? So to solve a non-homogeneous one, firstly you need to solve a homogeneous one. So now I'm taking one example. For example, solve the following boundary value problem. With these boundary conditions, so technically we have this problem. You can write in standard form if you want, equal to 2y plus x. So p is 1, q is 0, r is also 1, and non-homogeneous part is x. So with boundary conditions, homogeneous. So corresponding homogeneous problem is चाहे आप ये लिख लो चाहे आप ये लिख लो, ठीक है? तो पैरामीटर की फॉर्म में लिखना है उसी इक्वेशन के सिमिलर, जो हमारे पुराने नोटेशन थे, हमने इसको म्यू बोला था, म्यू दिस वन व्हिच इज टू, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग होमोजीनियस विल बी, सो दिस एफ एक्स विल बी 0, एंड राइट हियर ए न्यू पैरामीटर लैम्डा विद सेम बाउंड्री कंडीशंस, सेम बाउंड्री, सो with same boundary condition. So I'm not wasting time to solve this problem. We have solved this problem earlier by taking three cases, lambda negative, positive, or zero. In fact, we have solved general problem when we wrote Fourier series. वहाँ लिखा था हमने 0 to L, तो L1 है हमारा यहाँ पे, तो आइगन वैल्यू क्या आई थी? So I am writing directly, but in exam you need to solve this. So eigen values are k आया था n pi by l, so lambda क्या होगा? K square, so l is 1, so this is n square pi square, and corresponding eigen functions are corresponding eigen functions are they are sine n pi x by l. So you have, so we solved earlier, okay, with l equal to 1. तो अब हम आइगन फंक्शन एक्सपेंशन लिखेंगे. पहले आपने इसको नॉर्मलाइज करना है. अब स्टेप्स क्या हैं? इफ यू गो बैक, सो फर्स्टली यू सॉल्व होमोजेनियस प्रॉब्लम दैट वी डिड, फाइंड आइगन फंक्शंस, आइगन वैल्यू, देन नॉर्मलाइज देम, नॉर्मलाइज देम, देन वी राइट सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस एज फाई इक्वल टू समीशन बी एन फाई एन एक्स. ओके, सो तो फिर हमने क्या लिखा था? जो लास्ट में रिलेशन ये मिल गया था आपको, सो वी कैन यूज डायरेक्टली. सो बी एन इक्वल टू सी एन बाई लैम्डा एन माइनस म्यू. इन ओवर नोटेशन लैम्डा एन इज एन पाई स्क्वेयर, म्यू दैट इज 2 फ्रॉम इक्वेशन, एंड व्हाट इज सी एन?
सी एन आपने लिखा था एफ बाई आर को, एफ बाई आर का जो सीरीज लिखा था जो उसका कॉफिशियंट है. सो व्हाट इज सी एन? ए टू बी एफ एक्स फाई एन एक्स डी एक्स. सो दिस इज सी एन. तो एफ एक्स हमारा एक्स है, फाई एन एक्स हमने जो लिखे हैं साइन एन पाई एक्स. तो पहले इनको नॉर्मलाइज करना हो कर लो, नहीं तो आप बाद में भी कर सकते हो. सो द आइगन फंक्शन एक्सपेंशन इज द फूरियर साइन सीरीज ऑन इंटरवल 0 to 1. सो वी राइट, वैसे का नोटेशन का पूरा रिस्पेक्ट करें हम तो, लेट मी चेक. तो हमने फाई एन उसको लिखा था होमोजीनियस वाले को. ओके, सो नॉर्मलाइज कर सकते हैं इसको. तो शॉर्ट में लिख देते हैं. सो वी व्हाट वी राइट, सो एफ एक्स इक्वल टू समीशन, ठीक है, वेयर सी एन इक्वल टू या पहले, चलो पहले उसको कर ही लेते हैं फूरियर साइन सीरीज. सो फर्स्टली वी नॉर्मलाइज फाई एन एक्स. अच्छा, नॉर्मलाइज कैसे करोगे, क्या क्या बताई थी डेफिनेशन नॉर्मलाइज करने की? किसी को नॉर्मलाइज कैसे करोगे, भूल गए? अच्छा, तो नॉर्मलाइज जो करके लिख रहा हूं उसको मैं वाई एन लिख रहा हूं. तो पुराने नोटेशन पूरे लिखने हैं तो आप क्या करो, उसको यहाँ से हटा दो. ओके, एंड आइगन फंक्शंस आर साइन एन पाई एक्स एन 1 2 3 एटसेट्रा. सो वी नॉर्मलाइज आइगन फंक्शंस एज. अब जो नॉर्मलाइज है उनको मैं लिख रहा हूँ फाई एन एक्स. तो नॉर्मलाइज कैसे करोगे? सेम का सेम के साथ करोगे तो 1 होना चाहिए. आवाज आ रही तुम लोगों को ऐसे बैठ? आ बताओ रही है नॉर्मलाइज पूरी। कैसे करें. चलो इनर प्रोडक्ट, सर इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई एन विद फाई एन शुड बी वन हाँ, तो वो क्या होना चाहिए? वन। तो कैसे बनाएं फिर उसको, वही तो पूछ रहा हूँ मैं. फिर वेट फंक्शन लगाएंगे। हाँ, फिर इंटीग्रल की सेंस में बोलो. यहाँ तो इंटीग्रल इंटीग्रेशन है ना यहाँ पे हमारे. चलो और सिंपलीफाई कर देता हूँ. आपने आपने जो बोला है, आपने क्या बोला है कि सेम का सेम के साथ इनर प्रोडक्ट लोगे तो वो 1 होना चाहिए, ठीक है.
अब सेम का सेम के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? हाँ सो 0 to 1 साइन स्क्वेयर एन पाई। अब सीधा तो हम नहीं लिख सकते, यानी कहने का मीनिंग है कि आप यहाँ पे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, नेचुरल आएगा ही कांस्टेंट तो यहाँ पे, ठीक है? तो वो कांस्टेंट आप ऐसे पिक कर लो, ठीक है, कि सेम का सेम के साथ इनर प्रोडक्ट आपका 1 बन जाए, ठीक है, कि हम कांस्टेंट ऐसे पिक कर लें। तो अब इसका इंटीग्रल निकालो, कितना आएगा इसका, जल्दी से इंटीग्रल निकाल के बताओ मेरे को। साइन स्क्वायर एन पाई एक्स, सर 1 cos 2x/2 होता है। आंसर बोलो। वन बाई टू। सो ए एन स्केयर बाई टू इक्वल टू 1, सो यू नीड टू पिक ए एन इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 2। ठीक है, यही है। सो नाउ वी राइट एफ एक्स एज एफ एक्स इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू 1 to infinity सी एन फाई एन एक्स, ठीक है, वेयर सी एन इक्वल टू, सी एन की वैल्यू क्या थी? हाँ, एफ एफ का इनर प्रोडक्ट फाई एन के साथ। अब f क्या है आपका? x है, और फाई एन एक्स क्या है? साइन एन पाई एक्स, और साथ में स्केयर रूट 2 भी है डी एक्स। ठीक है जी, अब इसका इंटीग्रल आप कर लेना प्रोडक्ट में लेके, यू भी लेके, टेक एक्स एज यू एंड साइन एन पाई एक्स एज वी। कर लोगे? चलो यस सर। करके बताओ, जल्दी से आंसर दो। इसमें भी थोड़ी सी मेरे को चेक कर ले, मेरे पास आंसर तो नहीं है इसका। साइन स्क्वेयर एन पाई एक्स, सो 1 माइनस कॉस 2 एन पाई एक्स डिवाइड बाई, ये आएगा इसका इंटीग्रल एक्स हो जाएगा, साइन का तो 0 बन जाना है, एक्स 1/2। ठीक है, चलो इसको करना, ठीक है, बाई पार्ट से करके करोगे तो इसका जो फाइनल आंसर है दैट इज, आई हैव अ डाउट ऑन दिस टू, ओके चेक। सो हेंस सर -cos(nπ/n)π। कॉस एन पाई को -1 पावर n लिख लो ना। सर -1 की पावर n+1 × √2। सर रोटू आ रहा है? हाँ, रूट टू बाहर मल्टीप्लाई करा था ना। तो एन एन पाई नीचे आ रहा है, ठीक यस सर। है, ओके, इसी का डाउट था मेरे को। ठीक है, तो
तो जो बी एन है अब हम क्या लिखेंगे, चलो एक बार. सो हेंस यहाँ प्रॉब्लम में आर एक्स वन, हेंस सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इज, तो उसको हम लिखेंगे वाई, जो हमने नोटेशन में लिखा था, समीशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी, उसको मैंने लिखा था बी एन फाई एन एक्स, वेयर. अब बी एन का फार्मूला आपने डायरेक्ट मेमोराइज रखना है, ठीक है. सी एन आपने निकाल लिए पहले. सी एन किसके कोरस्पॉन्डिंग है, एफ एक्स के कोरस्पॉन्डिंग. एफ एक्स के कोरस्पॉन्डिंग ये है. सो व्हाट इज लैम्डा एन, लैम्डा एन माइनस म्यू, या म्यू माइनस लैम्डा, चेक कर ले ये रिलेशन लिखा है, दिस वन, लैम्डा एन माइनस म्यू. सो लैम्डा एन एन दीज आर आइगन पाई वैल्यूज, स्क्वायर एन स्क्वेयर पाई पाई स्क्वायर स्क्वेयर, और म्यू क्या था, टू जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है उसमें ये जो फैक्टर है वाई के साथ, ये दिस वन. सो म्यू इज टू. सो इधर गो बाई आर्टिकल और यूज डायरेक्ट फार्मूला, ठीक है. तो अब सब कुछ आपने, आप चाहे आप ये भी लिख सकते हो उसको, फाई एन एक्स पता है ना आपको, एंड वन टू इन्फिनिटी. तो इस फॉर्म में होगा सोल्यूशन बी एन साइन एन पाई एक्स, और बी एन का वैल्यू क्या है, बी एन इज गिवन बाय दिस रिलेशन, अंडर टू माइनस वन एन प्लस वन डिवाइड बाय दिस नंबर. सो इन दैट वे यू कैन सॉल्व नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम. सर एक छोटा सा डाउट है हाँ जी. सर, आपने पाई डबल डैश प्लस टू वाई हाँ प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स लिया था, हाँ तो उसके बाद माइनस वाई डबल डैश इक्वल टू टू वाई प्लस एक्स कैसे हुआ कौन सा, सर? एकदम स्टार्ट में, हाँ यहाँ पे अपने इक्वेशन वाई डबल डैश प्लस टू वाई इक्वल टू एक्स लिया है, हाँ तो उसके बाद ये नीचे साइन कैसे चेंज करा? नहीं, साइन तो नहीं, साइन चेंज नहीं करना, वही आएगा फिर आपका, वही है साइन तो. तो साइन का फर्क आएगा, मतलब लास्ट में से आप फिर एफ एक्स को माइनस एक्स लेके चलो, ठीक है. सर आप क्वेश्चन में चेंज कर दो ना, आंसर सेम हो जाएगा। यहाँ चेंज ट्रू, इक्वेशन ट्रू भी तो होनी चाहिए, कुछ डाउट ना. चलो एक मैं कैलकुलेशन के हिसाब से मैं यही कर देता हूँ, ठीक है. साइन चेंज नहीं करना आपने, एफ एक्स इज माइनस एक्स, सिर्फ साइन का ही फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं आएगा. यहाँ पे आपने लिखा है ना, ये तो सब सेम चलेगा एवरीथिंग. यहाँ पे जो सी एन की वैल्यू है, सी एन में आप क्या करोगे, सी एन में एक्स को माइनस एक्स कर दो यहाँ पे, ठीक है, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पे हर बार तो सोचना, सर फिर माइनस वन की पावर एन हो जाएगा ना? हाँ वो आप देख लेना, ठीक है. ठीक है माइनस वन की पावर एन आएगा, एन प्लस टू हो जाएगा, ये कम कर दो ना फिर, उसको एन कर दो ना बस. कहीं एफ यूज नहीं हुआ ना? हाँ और कहीं एफ नहीं यूज हुआ सर? बस, और तो उसमें बस इसमें निकालने में यूज होगा. एफ एक्स का रोल क्या है, टू फाइंड सी एन, एंड सी एन इज गिवन बाय इंटीग्रल. और इसमें हमेशा सलूशन नहीं मिलेगा, जो हमने लास्ट में एक कंडीशन स्टेट किया था उस दिन. सो एंड में, तो इफ म्यू इज नॉट इक्वल टू एनी ऑफ आइगन वैल्यू, तो हमारे केस में क्या था, म्यू टू था. यहाँ पे आपने वो भी वैसे चेक करना है, म्यू टू था और जो आइगन वैल्यू है, सो दे आर एन स्केयर पाई स्केयर, है ना. जब आप एन वन टू थ्री है तो पहला क्या होगा, पाई स्केयर, ये टू के इक्वल तो कोई बनेगा नहीं फिर, ठीक है. तभी आपको सोल्यूशन मिला यहाँ पे, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये वाला केस है, म्यू इज नॉट इक्वल टू एनी ऑफ लैम्डा एन, देन यू गॉट सोल्यूशन बाय दिस.
But if mu equal to some lambda m, then there are two possibility. Either you got no solution or you got infinitely many solution. ठीक है, चलो एक उसका एग्जांपल और ले देते हैं. एक हमने पिछली पिछली क्लास में एक आपको एग्जांपल ये करा दिया था मैंने, जिसमें ये मिला था, अगर आपको ध्यान हो, कि k इक्वल टू माइनस टेन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं. ये कर लिया हमने? यस सर, हो गया था ये. ठीक है, हाँ, तो उसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर लेते हैं. सो सेकंड एग्जांपल ऑफ नॉन होमोजेनियस ये इसी टाइप का ही है. सो यूज द मेथड ऑफ आइगन फंक्शन एक्सपेंशन. Eigen function expansion to solve the Sturm-Liouville boundary value problem. अब ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है. Y zero equal to zero. Y one plus y dash one equal to zero. So we have Sturm-Liouville problem. So my problem is y double prime equal to 2y plus x. ठीक है, ठीक बन गए. So with boundary conditions. तो homogeneous क्या लें अब इसमें? Similar problem ही है. So we consider homogeneous problem. Minus y double prime equal to lambda of y with same boundary conditions. Then you consider three cases lambda. तो इसमें आपको मिला था positive के लिए solution मिला था ना, तो मैं eigen value लिख देता हूँ सीधी. So for lambda positive, that is lambda equal to k square, we get non-trivial solution. So eigenvalues satisfy the equation. किससे मिली थी वो? इक्वेशन लिख लेते हैं उसको, वो यूज भी होगा. यू गॉट फ्रॉम साइन के प्लस के कॉस के इक्वल टू जीरो. इसको सॉल्व करके हम के निकाल लेंगे. ठीक है, मैं आंसर में नहीं जा रहा. हमने लिखा था फर्स्ट फ्यू आइगन वैल्यूज वर लैम्डा 1 4.1 देन 24 समथिंग एटसेट्रा. द कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन आर आइगन फंक्शंस आर. तो इनको भी लिख लेते हैं. सो एक ए, अब नॉर्मलाइज करना है ना इनको भी. सो साइन के एक्स, ठीक है, के को या लैम्डा में लिखोगे तो साइन अंडर रूट लैम्डा एन एक्स. फर्स्ट स्टेप तो हो गया सॉल्व होमोजीनियस वन. ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है? सॉल्व होमोजीनियस. नेक्स्ट स्टेप नॉर्मलाइज आइगन फंक्शंस. अब नॉर्मलाइज कैसे करेंगे? प्रॉब्लम में, हमारी प्रॉब्लम के अंदर आर एक्स वन है. ठीक है, वेट फंक्शन आता है ना, तो नॉर्मलाइज का मीनिंग क्या है? जीरो टू वन, सेम का सेम के साथ इनर प्रोडक्ट. अब लिखोगे तो वो वन होना चाहिए. जीरो टू वन साइन स्केयर
के में लिखना है के एन भी लिख सकते हो आप, लैमडा में लिखना है आप लैमडा एन लिख सकते हो, के में ठीक रखेगा, ठीक है स्क्वायर रूट नहीं है। सो साइन स्क्वायर, क्योंकि के कई सारे के होंगे ना, तो के को आप के एन भी लिख सकते हो, के भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, मैं के एन लिख रहा हूँ, ठीक है। साइन स्क्वायर के एन एक्स डी एक्स, तो अभी आप लोगों ने किया ही था इसको। सो ए एन स्क्वायर, ए कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, वन मैं लास्ट में लिख दूंगा। सो जीरो टू वन, वन माइनस कॉस टू के एक्स डिवाइड बाई टू डी एक्स। तो अब इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा पहले वाला नहीं है, इंटीग्रल करोगे तो वहां तो एन पाई था ना, यहाँ पे कॉस एन पाई था, तो साइन एन पाई बन गया, जीरो बन गया, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। सो यू नीड टू सिंप्लीफाई इट फर्दर। चलो पहले इंटीग्रल कर लो, लिमिट फिट कर दो। सो ए एन स्क्वायर टू के एन माइनस साइन टू के एन, ये बन जाएगा डिवीजन फोर के एन। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ए एन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा के एन, टू तो कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। इसको साइन टू को आप लिख लो, साइन टू को टू साइन ए होता है ना, साइन टू एक्स, टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा साइन के एन कॉस के एन डिवीजन टू के एन, टू एक कैंसिल कर दिया ऊपर नीचे से। अब आप इसको यूज कर लो, इसको चाहे आप नंबर लगा के रख लो इसको, सो यूज यूज फर्स्ट। तो इससे क्या करो आप, साइन या कॉस को एक में चेंज कर लो, ठीक है, दोनों आ रहे हैं ना साइन और कॉस, तो अगर साइन की वैल्यू फिट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के कॉस के, ठीक है। सो दिस विल सिंप्लीफाई टू ए एन स्क्वायर बाई टू, तो ऐसे ही रहेगा। आप देखोगे के और के एन सेम चीज है, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं करना, के को मैंने के एन लिखा है आगे वेरिएशन शो करने के लिए, तो ये के एन भी कैंसिल हो जाएगा, वन प्लस कॉस के एन ये बच जाएगा ऊपर। कॉस के को क्या फिट कर, साइन को क्या फिट किया, इक्वल टू माइनस के कॉस, तो के कॉमन आ गया, नीचे के कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। सो व्हाट वी हैव यूज, वी यूज फर्स्ट हियर, सो दिस इज इक्वल टू वन, दिस इक्वल टू वन, तो वन होगा तो ए एन की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ टू डिवीजन वन प्लस कॉस स्क्वायर के एन। तो आपको ये के एन ए एन चूज करना पड़ेगा विद दिस ए एन, विद दिस ए एन दिस विल बी नॉर्मलाइज फंक्शन, यानी कहने का मीनिंग है अगर आप इस ए एन से मल्टीप्लाई करोगे, जीरो टू वन पे इंटीग्रल करोगे सेम का सेम के साथ, तो वो इंटीग्रल वन होगा। सो वी नॉर्मलाइज द आइगन फंक्शन, दैट सेकंड स्टेप। ऐसा फाइनल स्टेप का सोल्यूशन लिख दो, ठीक है। तो अब एफ को भी चेंज करना है ना पहले, सो फाइनल स्टेप, तो हम अज्यूम क्या करेंगे, वी अज्यूम सॉल्यूशन ऑफ गिवन नॉन होमोजेनियस प्रॉब्लम एज, उसको मैं लिखूंगा समीशन बी एन फाई एन एक्स, और बी एन की वैल्यू क्या होगी, सी एन बाई लैमडा एन माइनस म्यू, म्यू इज टू अगेन। अब क्या करना है, नाउ वी फाइंड सी एन, एंड व्हाट आर सी एन, जीरो टू वन एफ इनटू फाई एन, सी एन किसका, किसका आइगन एक्सपेंशन है, एफ एक्स का। आपने एफ एक्स को क्या लिखा है,
n equal to 1 to infinity cn phi n x. ठीक है, तो सी एन की वैल्यू क्या होगी, सी एन इक्वल टू 0 to 1 एफ एक्स फाई एन एक्स डी एक्स. तो ये ए एन आ जाएगा, सेम ही है एक्स साइन के एक्स डी एक्स. इसका भी इंटीग्रल आप करना बाई पार्ट्स करके, ये आ जाएगा 2 sin kn डिवाइड बाई kn. अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो, अच्छा यूज करके ही होगा सिंप्लीफाई, यूज फर्स्ट टू सिंप्लीफाई. इसमें cos आएगा, cos को sin में चेंज कर देना, sin k प्लस cos k इक्वल टू था ना वो फर्स्ट में, फर्स्ट यूज कर लेना ये वाला साइन के प्लस के कॉस के इक्वल टू सर, फिर माइनस के कॉस के आ जाएगा ना. साइन का फर्क है सर? नहीं सर, साइन के एन अपॉन के एन इज इक्वल टू माइनस कॉस के आ जाएगा ना. इसको नहीं करना, इसको जब आपने इंटीग्रल किया करा ना, इसको उसको फर्स्ट इसको साइन फंक्शन लिया एक्स को फर्स्ट, इसको सेकंड लिया तो कॉस आएगा ना वहां पे, उस कॉस को साइन में चेंज करके फिर फाइनल आंसर लिख दिया मैंने. ठीक है, ये मैंने फाइनल आंसर लिखा है. सो पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर, सो बी एन इक्वल टू, अब नोटेशन में रहने दो ठीक है. सो यू हैव वाई इक्वल टू समीशन एन इक्वल टू 1 to infinity बी एन फाई एन एक्स, और बी एन की वैल्यू क्या है, सी एन बाई लैम्डा एन माइनस टू. ठीक है, और लैम्डा एन पीछे हमने दे रखे हैं रिलेशन से. So putting everything together, मैं final answer लिख रहा हूँ इस form में, close form में. सारी वैल्यू बी एन का वैल्यू फिट कर दो तो ये बनेगा साइन, अब लैमडा में लिख रहा हूँ आंसर, साइन अंडर रूट लैमडा एन डिवाइड बाई लैमडा एन, ये आएगा लैमडा एन माइनस म्यू, ये लैमडा एन इससे आया है के एन से, लैमडा एन माइनस टू. फिर ये नॉर्मलाइज वाला फंक्शन भी आएगा, 1 plus cos square अंडर रूट लैम्डा एन, और ऊपर आएगा साइन अंडर रूट लैम्डा एन एक्स. ठीक है जी, और लैम्डा एन क्या है, वेयर लैम्डा एन इज नॉन, लैम्डा एन आर नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ, किसका सलूशन है ये, अंडर रूट लैम्डा एन इक्वल टू माइनस ऑफ टेन, जो फर्स्ट के सलूशन है, चाहे आप उसमें फॉर्म में लिख दो, साइन कॉस वाली फॉर्म में लिखना उसमें लिख दो, चाहे आप के साइन के था ना, तो साइन अंडर रूट लैम्डा एन प्लस के कॉस अंडर रूट लैम्डा एन इक्वल टू जीरो, जो इससे नॉन जीरो लैम्डाज मिलेंगे दे आर द आइगन वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू होमोजीनियस प्रॉब्लम. यू गॉट माय पॉइंट? मतलब कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्टली सॉल्व होमोजीनियस वन, फाइंड आइगन फंक्शन, देन नॉर्मलाइज देम सो दैट इनर प्रोडक्ट इज वन. सो इनर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल है 0 to 1 सेम का सेम के साथ, वो वन होना चाहिए, वहां से कॉन्स्टेंट पिक करो. फिर जो नॉन होमोजीनियस का सोल्यूशन है उसमें हमने बी एन लिखा है, बी एन की वैल्यू क्या है, सी एन बाई दिस लैम्डा एन माइनस म्यू, एंड व्हाट इज सी एन, सी एन इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू होमोजीनियस पार्ट. वैसे वहां पे आपने एफ बाई आर लिखा था, बट हियर वी हैव आर एक्स इक्वल टू वन. तो सी एन क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ विद दीज ऑर्थो नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन.
Any query? So we have studied, up to now we have studied regular Sturm-Liouville problem and some I think one example of Sturm-Liouville problem with periodic boundary condition, and three properties that eigenvalues are real, eigenfunctions are orthogonal, and further eigenvalues are simple. So now we will move to singular Sturm-Liouville problem.